तो एसी के फ्रेंड्स हम लोग ने सारा चीज़ कंप्लीट कर दी यहाँ पर, पैप वगैरह कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब बेसिकली लीकेज टेस्ट करना था, जो लीकेज भी मैंने अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया है। ये हमारा एक एल्युमिनियम कंडेंसर वाला एसी है और मैं आप लोग गारंटी के साथ बताता हूँ कुछ सालों में ये लीक होगा। कुछ सालों मतलब क्या, एक से डेढ़ साल के बाद ये 110% लीक हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आया था इसका फिटिंग करने के लिए। नॉर्मली यहाँ देख सकते हैं पैंप वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिटिंग करवाना है। और फिटिंग करने के अलावा ये हमारा सैमसंग कंपनी का एसी है। नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे सैमसंग ब्रांड है और इसमें एल्युमिनियम कंडेंसर है। थोड़ा पुराना एसी है हमारा, देख सकते हैं कंडेंसर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एल्युमिनियम कंडेंसर है भाई, कॉपर जो हमारा रहता है मेनली वो अलग रहता है। थोड़ा देखने में भी आपको समझ में आ जाएगा भाई, इस तरह का वो देखने का नहीं लगता, कोई ब्लू रहता है, कोई गोल्डन आपको फिन देखने को मिल पाएगा, तो अलग अलग रहता है। लेकिन जो एल्युमिनियम रहता है वो नॉर्मली आप देख करके यहाँ पर समझ पाओगे, थोड़ा वाइट टाइप का देखने को मिल पाता है। और बेसिकली लीकेज क्यों होता है आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। कुछ सालों के बाद बेसिकली होगा ये हमारा, ये वीक हो जाता है। वीक होने के बाद ये इस जगह से ये चीज़ जो आप देख रहे हो जो जॉइंट है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद क्या होगा, पानी और धूप लगने के बाद कुछ सालों के बाद ऑटोमेटिकली लीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो लीक होगा। और लीक होने के बाद जो हमारा गैस होता है ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल के बाहर चल जाएगा। और अब हम चाहेंगे कि इसको रिपेयर करें, तो भाई रिपेयर नहीं होगा। ये पूरा कंडेंसर को यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कंडेंसर है, इस कंडेंसर को पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो पाएगा। और ये कंडेंसर चेंज करने के बाद जो हमारा कॉस्ट लगेगा वो 7 से 8 हज़ार रुपये कॉस्ट लग सकता है। जो भी टेक्नीशियन वगैरह आएंगे विजिट करेंगे उनको इतना देना पड़ेगा, 7 से 8 हज़ार। उसके बाद ये कंडेंसर को कॉपर का लगेगा, उसके बाद आपको गैस चार्जिंग करवाना होगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। बेसिकली कस्टमर का ये कहना है अभी इसको फिट कर देना, तो मैं यहाँ पर अभी इस जगह पे फिट कर दूंगा। लेकिन ये अगर चेंज करवा के ये काम करवाते तो बेस्ट होता, क्योंकि दोबारा कुछ सालों के बाद ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन फिर अब आप कभी भी एसी लेते हो तो आप ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम कंडेंसर का एसी आपको नहीं लेना है। नॉन इन्वर्टर एसी आपको शायद मिल सकता है मार्केट में, आपको बेसिकली इन्वर्टर एसी लेना है, उसके बाद आपको एल्युमिनियम नहीं लेना है, कॉपर का कंडेंसर वाला एसी आपको परचेज करना है। तो एसी के फ्रेंड्स हम लोग ने सारा चीज़ कंप्लीट कर दी यहाँ पर, पैंप वगैरह कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब बेसिकली लीकेज टेस्ट करना था, जो लीकेज भी मैंने अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अच्छे तरीके से यहाँ पर पैंप वगैरह का फिटिंग मैंने एसी का कर दिया है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया तरीके से लग गया भाई। इसी जगह से ओपन हुआ था, दोबारा यह फिटिंग हो गया है। और लीक वगैरह बड़ी बढ़िया तरीके से मैंने देखा है भाई, दोनों जगह से, दोनों नट के यहाँ से। ये दोनों नट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पाइप को खोलते हो और दोबारा टाइट करते हो तो बहुत ही बारीकी से भी लीकेज होता है। थोड़ा समय देकर के आपको लीकेज टेस्ट करना होता है। यहाँ का तो लीक मैंने कंप्लीट कर लिया है टेस्ट, लेकिन बैक साइड में जो कंडेंसर वाला एरिया है वहाँ से लीक हो सकता है। कस्टमर को ऐसे मैंने बता दिया है, ज़रूरत के हिसाब से वो काम करवाएंगे, बोले फ़ोन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।